हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कर रहा हूं दुलीचंद मोटर्स में टू शो यू द ऑल न्यू टाटा हैरियर इन डार्क एडिशन। दिस इज द कार स्टैंडिंग बिहाइंड मी, बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वीडियो, फर्दर अडू विद द इंट्रो। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विद द बोनेट। माय गुडनेस, ये बहुत भारी है गाइस। जैसे कि नेक्सॉन में हम लोगों ने देखा था, ये बहुत ही डिफरेंट सा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे आपको ये बहुत इजीली ऊपर नीचे आप कर सकते हो इस बोनेट को। वैसे है तो बहुत भारी, इंसुलेशन राइट देयर। दिस इज द इंजन, आपको इंजन स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत ही भारी है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। स्टार्टिंग विद द फ्रंट प्रोफाइल, सबसे पहले विद द टाटा का लोगो जो थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में दिया गया है, क्योंकि दिस इज द ब्लैक एडिशन और द डार्क एडिशन। सामने की तरफ आपको जो DRL दिखता है वो ऑफकोर्स आपको इस बार पूरा का पूरा कनेक्टेड देखने को मिल जाता है। दे यू गो, हेडलैम्प का सेटअप आप देख ही सकते हो, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आपको इस बार प्रोजेक्टर में दिया गया है विथ व्हाइट LED बोथ हेडलैम्प एंड नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प विथ कॉर्नरिंग फंक्शन आपको इस बार प्रोवाइड किया गया है। नीचे की तरफ आपको दिया गया एयर डैम्पर फॉर योर बेटर एयर डायनामिक्स। नीचे की तरफ आपको रेडिएटर कूल करने का ग्रीव्स, और यहाँ पे आपको दिया गया है आपका दो पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे आपका सामने का पार्किंग का जो आपका 360 डिग्री कैमरे का कैमरा है वो, और ओवरऑल उसका जो सामने का लुक है वो थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर हो चुका है। अभी आपको ये जो ग्रिल मिलता है ना, ये आपको एक बहुत ही बोल्ड सा ग्रिल आपको देखने को मिल जाता है। इससे इसका जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही अच्छा तगड़ा बन गया है पिछले हैरियर से। पिछले वाले हैरियर को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मैं आपको दिखा दूंगा। दे यू गो, हैरियर का लुक कुछ ऐसा था और चेंज होके अभी ये ऐसा बन चुका है। चलिए मैं अभी इसको लाइट्स ऑन करके आपको एक बार दिखा देता हूं। गाइस, ये है इसका लुक आफ्टर टर्निंग ऑन द हेडलैम्प्स एंड एवरीथिंग। तो सामने की तरफ जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा कनेक्टेड DRL आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ सिंगल LED में प्रोजेक्टर सेटअप में आपको मिल जाता है इसका हाई बीम लो बीम सब कुछ। और नीचे की तरफ आपको एज इट इज़ मैंने आपको बोला कि फॉग लैम्प विद टर्निंग इंडिकेटर्स नहीं, मेरा मतलब है कि आपका टर्निंग या कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ये आपको दिया गया है। ओवरऑल सामने का लुक आप देख ही पा रहे हो, बहुत ही तगड़ा सा माफिया सा लुक दे दिया गया है अभी इस गाड़ी को, एकदम ब्लैक एकदम बैट मोबाइल टाइप का लुक लग रहा है। तो ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल। और जैसे कि हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको सबसे नया चीज़ दिखेगा वो है ये नए व्हील्स। तो इसका जो आपका साइज़ है वो है आपका कहाँ गया, हाँ 19 इंच का व्हील्स है। सामने और पीछे दोनों आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डार्क एडिशन का बैजिंग देखने को मिलेगा और हैरियर का एक नाम का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे नया एडिशन देखने को मिलेगा। OBD के नीचे आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा का भी कैमरा, बिकॉज दिस कार इज ह्यूज एंड मस्क्यूलर। तो 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी को बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। प्लास्टिक व्हील आर्चेस के साथ ये गाड़ी आ जाता है। सिंस ये डार्क कलर के डार्क एडिशन है तो आपको ब्लैक कलर स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। बाय द वे, अगर अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टर्न ऑन द बेल आइकन। और आपको नीचे कमेंट्स में अभी बताना है कि आपको इस गाड़ी के बारे में सबसे अच्छा क्या लग रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एक मतलब जस्ट फॉर लुक रूफ रेल जो नॉन फंक्शनल है लेकिन है बहुत सही। एज सच साइड से आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। पीछे की तरफ आता हूँ, वो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाने हैं। वैसे तो देश का लोहा है, टाटा है, कम्स विथ 5-star सेफ्टी रेटिंग्स एंड दीज आर द फ्यू अदर सेफ्टी रेटिंग्स फॉर द कार। एंड सेफ्टी रेटिंग्स के बाद आता है क्या, अपना डायमेंशंस वगैरह। तो ये है आपका डायमेंशंस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। बहुत ही खूबसूरत सा गाड़ी है, बहुत ही टॉल है। ऊपर की तरफ आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, आपको क्वार्टर ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाता है। आपको सब कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट में दिया गया है, ड्राइवर के साइड में और पैसेंजर के साइड में दोनों ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ये इस बार आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये था मोरलेस इसका साइड प्रोफाइल। अब पीछे की तरफ आते ही सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है इसका कनेक्टेड टेल लैम्प्स। LED में पूरा आता है एकदम जेड शेप में एंड फुल्ली कनेक्टेड टेल लैम्प जो इस गाड़ी के लुक को एकदम चेंज कर देता है। यहाँ पे दिया गया है इसका कैमरा
और नीचे की तरफ आपको दिया गया इसका लाइट्स जो आपको हैलोजन में दिया गया है, हैलोजन में दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है आपका डीआर, आपका जो पीछे का लैंप वगैरह है वो आपको दिया गया है एलईडी में। पीछे एमिनिटीज के बारे में बताऊं तो आपको वाइपर, डिफॉगर, ऊपर में हाई माउंट स्टॉप लैंप और एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉयलर। अब चलिए इस बूट को खोल के देखते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पीछे की तरफ आपको ऑफकोर्स दिया गया है पार्किंग सेंसर्स और नीचे भी एक पियानो ब्लैक एलिमेंट में आपको दिया गया है एक डिफ्यूज़र जो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। बाय द वे गाइस, दिस इज़ अ रियल एयर वेंट टू फॉर बेटर एरोडायनामिक्स ऑफ द कार। हाँ हाँ हाँ, ओके, टाटा टाटा, एकदम एकदम। तो चाबी से भी अब इस टेल गेट को खोल सकते हो। अच्छा, उसके पहले गाड़ी को थोड़ा बंद कर देते हैं। और चाबी से अगर आप इसको खोलना चाहो तो आप इसको खोल सकते हो। देयर यू गो। तो आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेल गेट। दिस इज द बूट स्पेस ऑन ऑफर। आपको यहाँ पे सब वूफर भी ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है लेकिन इसका स्पेयर व्हील जो है आपको एकदम नीचे प्लेसमेंट किया गया है जो बहुत ही सही है। इलेक्ट्रिक टेल गेट इन अ टाटा हैरियर, दैट इज सुपर डुपर ऑसम। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है एंड दैट इज वो आपको नीचे बटन दिख जाएगा तो आप एक बार लाइक कर दो। तो ये था इसका बूट का ओपनिंग। आपको कोई लोडिंग लिप वगैरह नहीं देखने को मिलता है तो दैट विल बी अ गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस। तो अब चलिए इस बूट को बंद कर देते हैं। एक ही बटन से बूट हो जाएगा बंद। हैरियर और ये टाटा सफारी। इसका वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए एंड टर्न ऑन दैट बेल आइकन ताकि इसका भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए गाड़ी कितना तगड़ा लगता है जब रोड पे चलता है। यू कैन जस्ट सी, जस्ट सुपर डुपर ऑसम। आने वाला इसका भी वीडियो, वेट कीजिए। तो आगे बढ़ते विद द ऑल न्यू टाटा हैरियर विद द इंटीरियर ऑफ द कार। गाड़ी को अनलॉक करते विद दिस रिक्वेस्ट सेंसर। अनलॉक करते जैसे कि आप देख पा रही हो सीट खुद ब खुद पीछे की तरफ जा रही है। इस गाड़ी में आ जाता है आपका वेलकम फीचर विच इज़ रियली गॉर्जियस। और ये इसका दरवाजे का लेआउट। इसको ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया, यहाँ पे आपको लेदर टच ट्राई एरो डिज़ाइन में। यहाँ पे दिया गया आपका दरवाज़ा खोलने का लीवर। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल। नीचे की तरफ आपको स्पीकर, बॉटल होल्डर और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला रखने का जगह भी प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ द वॉर बीएम के कंट्रोल्स। आपको मेमोरी फंक्शंस के साथ ये सीट दिया गया है, फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड विद वेंटिलेशन फंक्शंस। तो चलिए चलते हैं अभी इस गाड़ी के अंदर। देयर यू गो। वैसे एक और बार मैं आपको डोर थट सुना देता हूँ। देश का लोहा। और ये सीट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ रही है। चलिए पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस गाड़ी में आ जाता है स्टीयरिंग व्हील फोर स्पोक। और इसमें एक नया चीज ऐड हुआ है, वो है कि पहले ये स्टीयरिंग व्हील जो था आपका हाइड्रोलिक था लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है। तो आप लिटरली एक उंगली में इस स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको दिखा पाऊंगा। देयर यू गो। अब लिटरली एक उंगली से स्टीयरिंग को घुमा सकते हो। बहुत ही इजी टू यूज स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही पसंद आया मुझे। आपको इस बार नी एयरबैग्स भी एडिशन करने कर दिया गया है। और ये जो इसका हॉर्न है थोड़ा दबाने से ही बच जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा लेआउट है फुल्ली एलईडी पैनल के साथ। आपको यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ देखिए वो आपको यहाँ पे दिया गया है क्रूज कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे दिया गया है आपका एडाज और क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स का जो बटन वगैरह है वो इस तरफ दिया गया है। इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स के बटन दिया गया है। ये इसका वाइपर के कंट्रोल्स, ये इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल्स, देखिए वो एलईडी हेडलैम्प्स, कूल। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपका, ये आपका बोथ टिल्ट एंड एडजस्टमेंट, सॉरी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है विच इज़ रियली गुड थिंग। डैशबोर्ड के बारे में बताओ तो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज़ किया गया है। सेंट्रल डिस्प्ले से एक स्पीकर भी है। बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ सनरूफ के पास भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाता है। तो यह इसका पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे यहाँ पे पहले तीन कंट्रोल्स थे सनरूफ के टाटा के कार्स में,
लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही स्विच मिलेगा टू कंट्रोल एवरीथिंग। इससे आपका शेड खुल गया, इससे आपका पूरा का पूरा सनरूफ खुल गया, काफ़ी अच्छा खासा ओपनिंग आपको इसमें मिल जाता है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, शेड खुला रहने देते हैं। अच्छा पहले इसको बंद होने देते हैं, शेड खुला रखता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको SOS के बटन और फोन के बटन, केबिन लाइट के कंट्रोल्स वाइट LED में दिया गया है, स्पीकर्स, इंपॉर्टेंट साइंस, आपको JBL मोड्स के साथ आ जाता है ये सिस्टम। और इसका जो 360 डिग्री कैमरा का जो व्यू है उसका बटन आपको मिल जाता है यहाँ पे टच पैनल में। जो AC का जो पैनल है वो फुल्ली टच पैनल है। और इसका जो क्लैरिटी है गाइज वो काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको नेक्सॉन में भी बोला था कि इसका क्लैरिटी अदर कंपटीशन से बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कलर मैचिंग किया नहीं गया है, लेकिन स्टिल इस प्राइस पॉइंट में टाटा ने जो प्रोवाइड किया है दैट इज़ टॉप नॉच। आप हर एक साइड्स देख सकते हो, ये पीछे का साइड है, ये सामने का आप देख सकते हो कि मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है रियल टाइम। और ये अडाप्टिव लाइन्स है, गाइडलाइंस जो है आपका अडाप्टिव है, काफ़ी सही है, बहुत ही अच्छा। ऑफकोर्स आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है इस बार, एंड फुल्ली टच पैनल के साथ ये आता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश दिया गया है, नीचे की तरफ आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है डुअल कंपार्टमेंट के साथ जो काफ़ी डीप है, आप कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पे आ जाता है आपका टेरेन सिलेक्शन जो बहुत ही खूबसूरत सा LED डिस्प्ले के साथ आता है। वेट मोड इज एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और ये है इसका हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये है इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, दैट्स गुड। ये इसका गियर लीवर जो बहुत ही खूबसूरत सा शेप में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया आपका वायरलेस फ़ोन का चार्जर विद कूलिंग सिस्टम के साथ, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और एक USB Type-C का सॉकेट भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 3 कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट पे दिया गया है USB का सॉकेट Type-C और एक 12 वोल्ट का सॉकेट। ये आर्म रेस्ट जो है वो स्लाइडेबल नहीं है। यहाँ पे आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक एलिमेंट्स और यहाँ पे क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाता है। AC फैंस बहुत ही हाई क्वालिटी का है तो बहुत ही खूबसूरत सा है। और ये जो आपका रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग फंक्शनैलिटी के साथ आता है तो कन्वीनियंस बहुत है। आपको ड्राइवर साइड को मिरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पैसेंजर साइड में आपको मिरर ज़रूर देखने को मिल जाएगा विद LED लाइट्स। और ये जो आपका सीट्स है गाइस, ये सीट्स बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कम्फर्टेबल है, वन ऑफ द बेस्ट इन द फीचर। और इसका हाइट एडजस्टमेंट जो है ना, आप बिल्कुल बोनेट के एज तक देख सकते हो। मेरा हाइट फॉर रेफरेंस 5'6" है और मैं पूरा बोनेट का एज तक देख सकता हूँ। एंड स्टीयरिंग व्हील गाइज खूबसूरत तो है ही, एंड अभी यूजबिलिटी भी बहुत ईजी हो गया है, बहुत आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था इसका मोरल है सामने का डैशबोर्ड वगैरह। आप चले चलते इसके पीछे की सीट्स की तरफ, चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ, एक सेकंड घुस जाता हूँ आराम से पहले, उसके बाद मैं बात करता हूँ। दे यू गो, डोर थर्ड, वेरी गुड। यहाँ पे इस बार आपको एडिशन देखने को मिलेगा इसका सनशेड विच इज़ रियली टू गुड फॉर द कार। आपको पिलर्स में आपको AC विंड देखने को मिल जाएगा। और ये आपका जो सीट बेल्ट है सामने का वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है। आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम, नी रूम देखने को मिल जाता है। बीच में हम थोड़ा ज़्यादा है तो बीच वाले पैसेंजर को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको सम स्पेस दिया गया है तो शुरू मोबाइल फ़ोन, नीचे की तरफ USB Type-C और USB सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है आपका आर्म रेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स, और ये जो आपका हेडरेस्ट है वो 2 एडजस्टेबल मिलता है। और ये आपका जो कुशन है ना, ये एडजस्टमेंट्स के साथ आता है, ये आपके हेड को और भी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दे यू गो, आप इसको और भी बेंड करके अपने हेड को एकदम अच्छे से इसमें सेटल कर सकते हो। एंड सो सॉरी, मैं नहीं सो सकता। यहाँ पे दिया गया है आपका कैबिन के लाइट, ग्रैब हैंडल के साथ ओट हुक्स भी दिया गया है दोनों तरफ। ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड। और पैनोरमिक सनरूफ जब खोल देते हो तो इस गाड़ी में लाइटिंग की कोई कमी आपको ज़रूर महसूस नहीं होगी। तो ये था इसका रियर सीट्स के बारे में एज वेल। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के सीट में, सामने के सीट में, सुनाता हूँ आपको गाने का छोटा सा। तो गाइस ये था इस गाड़ी का
म्यूजिक सिस्टम बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक सिस्टम है, आपको बहुत ही मजा आएगा इस गाने में गाने सुनने में। एक सेकेंड, मेरा माइक गिर गया। हाँ, तो मैंने माइक लगा लिया है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बहुत ही खूबसूरत सा है, आपको बहुत मजा आएगा इस गाने में गाने सुनने में। तो ये था इसका म्यूजिक सिस्टम एंड एवरीथिंग। अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के बाहर। तो गाइस, ये था द ऑल न्यू टाटा हैरियर इन डार्क एडिशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर दीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। दूलीचांद मोटर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको टाटा हैरियर लेनी है, अभी कोई भी गाड़ी लेनी है, तो आप यहाँ पे आके इसका टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हो, यहाँ से आप गाड़ी भी ले भी सकते हो। बहुत ही अच्छा है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम टू प्रोवाइड मी विद दिस कार। तो इस वीडियो की यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए पीस।